पिछले 7 महीनों में कोरोना और पिछले दिनों आए बाढ़ की वजह से शहर की करीब कई बस्तियां और उनमें रहने वाले लोग खासे प्रभावित हुए हैं। लॉकडाउन के कारण बंद हुए व्यवसाय, दुकान और फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वहीं दूर दराज से आए मजदूरों और उनके परिवारों के लिए भी 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही मजदूर वर्ग के लोगों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने माधवगढ़ से रैली निकाली। उसके पहले उन्होंने संबोधित करते हुए सरकार और जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस नेता देवेंद्र राठौर और गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि कोरोना के बाद पिछले ही दिनों आई बाढ़ की वजह से कई बस्तियां जलमग्न हो गई थी। वहां भी गरीब जो पहले से पीड़ित थे उन्हें और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। माधवगंज से रैली निकालने के बाद कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर कोतवाली में टीआई को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इधर रैली में शामिल हुई एक महिला ने प्रशासन के साथ साथ नेताओं को भी खटगरे में खड़ा किया। महिला का कहना है कि नेता अपनी रैली में लोगों को बुला लेते हैं, उनकी समस्याएं हल करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन उन तक वास्तविक तौर पर हमारी आवाज पहुंचती ही नहीं। जतरपुरा में कई सारी समस्याएं हैं, कई बार हमने आवेदन दिए हैं, नेताओं की रैली में शामिल किया गया है, लेकिन हमारी आवाज ना तो कलेक्टर तक पहुंची और ना ही हमारी समस्याएं हल हुई हैं। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट। नहीं मिला है, ऐसी स्थिति में हमारे गरीब मजदूरों की स्थिति ये हुई है कि वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। आज उनके पास रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। शासन की ओर से मिलने वाला पात्रता पर्ची का राशन सारे प्रदेश में 3 बार मिला है, मगर विदिशा एक ऐसी जगह है जहां पर कहीं पर 1 बार, कहीं पर 2 बार और कहीं पर 3 बार तो कहीं भी किसी मजदूर को नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों सीहोर में यह घोषणा की कि बिना पात्रता पर्ची के भी मजदूर गरीबों को राशन मिलेगा, मगर विदिशा का एक भी ऐसा मजदूर नहीं है जिसे आज तक राशन प्राप्त हुआ हो। हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं, इसी संकट के दौरान हमारे शहर में बाढ़ आई और अनेकों सैकड़ों लोगों के, खास तौर से रंगई के पास पास के गांवों में, आमखेड़ा में, सुवाखेड़ी में और तमाम गांवों में, और खास तौर से जो काली बस्ती है सुभाष नगर में, हमारे गरीब मजदूर भाइयों के मकानों में पानी घुस गया। वहाँ पर हम मैं प्रिया कुशवाहा हूँ, जतरापुरा में रहती हूँ। आप यहाँ पर आए थे, क्या परेशानी थी? हमें तो बहुत परेशानी है, हम 3 साल से रह रहे हैं। सब कोई भी नेता जाता है, चलो हम तुम्हारा काम करवा देते हैं, तो हम सब भाई अपना काम छोड़ के इनके पीछे आ जाते हैं। एक दो फिर सब दिन हो जाता है, हमें 3 साल है। कहीं कहते हैं कलेक्टर साहब के पास जाओ, कहीं कहते हैं जे आवेदन दे आओ, कहीं कहते हैं वो आवेदन दे आओ। आवेदन दे दे कहीं परेशान है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी हम कलेक्टर साहब के पास आए, बोले बोरे हाँ छुट्टी के, हड़ताल मचा दी। ऐसे कैसे मचा दी? हम कलेक्टर साहब के पास आते हैं, कहीं ये कोरोना हो जाता है, कहीं हड़ताल मच जाती है, कोई बात सुनवाई नहीं हो रही। कहीं जाते हैं कि वो क्या नेता जी, नेता कोई आता है कि चलो भा चले अपन, सब लोग सब आएंगे काम छोड़ के अपने, फार्म भरो, कहीं फार्म लो, कहीं फोटो कापी करो। ऐसे कब तक परेशान होंगे? आज भी हम 20-25 रुपए के फार्म लिए और फिर फोटो कापी करवाई, फिर भी आज हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम 3 साल से वो भूमि पर रह रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना हमारे शौचालय है बच्चों के लिए, ना कोई सुविधा है वहाँ पे, और हम सब बड़ कीचड़ हो रही है, बरसात में परेशान हो रहे हैं, और हम काम भी करने नहीं जा पाते। जो कहीं के नेता आते हैं आज चलो वहाँ चलो, कहीं कहते हैं वहाँ चलो, सब बच्चे सब भाई परेशान हो गए, अपना काम छोड़ के बच्चों छोड़ के इनके पीछे आ जाती है, कोई सुनवाई नहीं।